One a day for a planet equals to time taken by it to complete one rotation around its own axis. अब अर्थ को कितना वक्त लगता है एक रोटेशन करने में, कौन बताएगा? मैम कराई, यस सर, मैम वन डे और 24 आवर्स। हाँ जी, एक रोटेशन करने में 24 घंटे लगते हैं अर्थ को, तो आपने देखा कि हमारा जो एक दिन होता है वो भी तो 24 घंटे का होता है ना, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना टाइम रोटेशन में लगना है अर्थ को उतने का ही तो दिन होगा। अर्थ जहां से शुरू हुई है वापस वहीं पे आ जाएगी एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद। तो क्या होगा कि पहले तो आधी अर्थ का जो फेस था वो सन की तरफ था। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सी ऑन द स्क्रीन, ये देखो ये सन है ना, ये देखो ये तो सन है आपका। सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है, ये री अर्थ। अब ये क्या हुआ, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब अगर आप इधर देखोगे तो यहां पर इतने एरिया में दिन है, दिख रहा है दिन है, फिर ये धीरे धीरे अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा, वो अंधेरे की तरफ शैडो की तरफ आती चली जाएगी और इधर से दिन चढ़ता चला जाएगा। तो एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद क्या होगा कि वापस वो इसी पोजीशन में आ जाएगी, और 12 घंटे के बाद क्या होगा इसका उल्टा, जो एरिया शैडो में है वो सनलाइट में आ जाएगा, वहां पे दिन हो जाएगा, और जो एरिया इसका यहाँ पर सन को फेस कर रहा है वो शैडो वाले एरिया में आ जाएगा। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इस तरीके से ये चलता है। तो रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is asked in the exams. With what movement of the earth is responsible for formation of day and night? That is the rotation. Then year. अब जो है year क्या होता है, year होता है कि एक planet ने कितना वक्त लिया sun के round घूमने में अपने orbit में। ये sun है, ठीक है, और ये जो है ये प्लैनेट्स हैं। सपोज लेट्स से जो जुपिटर की बात करते हैं, ये जुपिटर का ऑर्बिट है, तो जुपिटर को कितना वक्त लगेगा सन के अराउंड एक चक्कर काटने में अपनी एक्सिस के ऊपर, वो उसका ईयर होगा। जैसे कि हमारी अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं ना, तो ये अर्थ का ईयर है। जितना टाइम जुपिटर को लगता होगा ज्यादा या कम, वो उसका ईयर होगा। ठीक है, अंडरस्टूड मैम? यस अर्पिता। मैम जो जुपिटर होता है, जुपिटर को एक दिन लगाने में तो 9 hours 52 minutes लगते हैं। ओके ओके, सो अर्पिता, यस मैम, I'll give you last 5 minutes for this discussion, but don't break the flow of the chapter, okay? Okay, so this is what makes the years and days, okay? And day and night is because of the rotation. अब जो seasons है ना वो क्यों होते हैं, वो होते हैं revolution की वजह से, ठीक है? So you have to remember कि revolution is the reason for the seasons. जो हमारे seasons होते हैं, गर्मी सर्दी होती है, उसका रीजन है रेवोल्यूशन, और रोटेशन जो है दैट इज द रीजन फॉर डे एंड नाइट। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।